नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी, आशा की अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी करने वाले हैं 2021 की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। वैसे भी ऑलरेडी हमने इनमें 30 पुस्तक याद कर चुके हैं दो क्लास में, तो वो वीडियो आप देख चुके होंगे या देखिएगा, नहीं देखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें वो भी थी और कुछ शेष बचती थी तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनको भी हम याद कर लेंगे दोस्तों पुस्तकों को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए 2021 की है, बहुत ही चुनिंदा पुस्तकें मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। देखिएगा, आपको नाम से भी लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में आ सकती है। ओके, देखिए नंबर एक पर है लेपर्ड डायरी। किसने लिखा? संजय गुब्बी ने लिखा। ठीक है, देखिए कितने अजीब अजीब नाम है, संजय गुब्बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लेपर्ड, आप जानते हैं तेंदुआ लेपर्ड। भाई साहब लेपर्ड अगर हमारे सामने आ गया तो हम क्या करते हैं, हमारी चुप्पी बिल्कुल सध जाती, बिल्कुल चुप हो जाती। चुप्पी गुब्बी, चुप्पी हमारी चुप्पी पूरी तरीके से सध जाती, चुप्पी हम चुप हो जाते हैं। रियल में कोई भी जानवर अगर उसे छोटा देख लिया ना, किसको लेपर्ड हो, तो चुप्पी हो जाता, चुप्पी साध लेता है। इसी तरह हम भी चुप्पी साध लेंगे, गुब्बी चुप्पी साध लेंगे, कब, जब लेपर्ड को देख लेते। इस तरह दोस्तों याद रहेगा। अगला है बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी कि जो पुलवामा में हुआ था अटैक, उसको दोस्तों उसमें है बालाकोट एयर स्ट्राइक। देखिए इसको याद रखें कैसे, तो देखिए दोस्तों यहाँ रहा एयर स्ट्राइक या बालाकोट से कहीं से पकड़िए उसको दोस्तों, मन पूरा सा दहल जाता है। आज भी सोच लेते हैं उस पुलवामा जो अटैक हुआ था उसको भी, आज भी कोई सोच लेता उसको मन दहल जाते हैं, मनन भट्ट। इस तरह आपको याद रहेगा स्ट्राइक सबसे आ जाए, हाँ दहल जाता है मन, किसी का भी हो मन दहल जाता है। ठीक है, याद रहा ना मनन। आगे दोस्तों क्या है, द अर्थ स्पिनर, अरुंधति रॉय जी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें होती है, एग्जाम में आती रहती हैं। जैसे कि द स्मॉल थिंग्स इनकी एक पुस्तक है, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है, देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता अर्थ और यहाँ अरुंधति, धति धरती अर्थ, आप मैच कर सकते हैं धरती और अर्थ। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अर्थ मीन्स धरती और अरुंधति, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा ये। आगे दोस्तों क्या, एन ऑर्डिनरी लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसने लिखा है, अशोक लवासा जी ने। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ, अगर कोई व्यक्ति ऑर्डिनरी लाइफ जीता है बिल्कुल से ऑर्डिनरी, तो क्या वो एक तरीके से कैसे जीता, बिल्कुल लाश की भांति जीता है। रियल में है ना, यानी कि ऑर्डिनरी यार लाइफ क्यों जियो, तो कुछ करके दिखाओ ना, ऐसे कुछ जियो क्या, सिंपल सी बिल्कुल से ऑर्डिनरी लाइफ जीते हो, ऐसे मजा कहाँ आ जाएगा। आप जब तक जीते उसके बाद मृत्यु तो चले गए, बिल्कुल लाश बन जाएंगे। मतलब ऑर्डिनरी लाइफ में जीने में क्या है, कुछ नहीं, ना लोग जानते ना आसपास के जानते, कुछ करके दिखाओ, कोई नाम बने, यानी कि लाश के तरीके मत जियो, ऑर्डिनरी लाइफ मत जियो। ठीक है, आगे इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल वस की है, याद रखें कैसे, यहाँ शब्द था आइडियल, यानी कि हमारा को भी कोई लाइफ में आइडियल होना ही होना चाहिए। ठीक है, आइडियल तो दोस्तों आइडियल होते हैं, तो क्या अगर हम अपने आइडियल जिसको मानते हैं उसको देख लेते हैं ना, तो क्या ये भी सोच लेते हैं आइडियल को अपने, तो कुणाल कोना कोना शरीर का बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, क्या यहाँ आता आइडियल, अगर हम जिसको आइडियल बनाए रहते हैं तो उसको हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बारे में देखते हैं, तो कोना कोना शरीर का मोटिवेट हो जाता है, कोना कोना बिल्कुल होता है। ठीक है, आग लग जाती है कोना कोना में, कुणाल वास, इस तरह याद रखे। आगे है द इंडियन स्टोरी विमल जलान। देखिए दोस्तों बहुत ही मुश्किल होती है ट्रिक बनाने में, रियल में बहुत ही मुश्किल सोचना होता है कैसे कि आपको एक इजी वे से याद हो जाए। आप एक दो ट्रिक बनाकर देखिए कितना इसमें समय लगता है और कितना इसमें थिंकिंग लगती है, तो अब पता चल जाएगा इसमें कितनी तगड़े सोचना पड़ता है। ठीक है, तो फिर भी हम आपके लिए बनाते हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट तो आप करते हैं, लाइक वाइक, ठीक है, बहुत कम आते हैं। द इंडियन स्टोरी विमल जलान की है दोस्तों, इसमें आप सोचिए और ट्रिक बनाकर देखिए, वीडियो पुश करिए क्या बना सकते हैं आप, मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं अगर आपके लिए सोचूं, यहाँ शब्द आता है इंडियन स्टोरी, यानी इंडिया या भारत की अगर स्टोरी कहानी सुनना, तो क्या कितनी बिल्कुल से कठिनाईपूर्ण थी इसकी स्टोरी, यानी कि जलान चारों तरफ जाल ही जाल थे, अंग्रेजों ने कैसे चारों तरफ जाल ही जाल बिछाए थे, जाल में अपने फांस लिए थे, किसको, इंडियन स्टोरी, इंडियन को। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं, अंग्रेजों ने इंडियंस को चारों तरफ से अपने जाल में जकड़ लिया था, लेकिन फिर भी आज़ाद हुए हम। ठीक है, इस तरह दोस्तों याद रहेगा, हमारे महापुरुष जो थे उन्होंने आज़ाद किया इंडियंस को। ठीक है, इस तरह दोस्तों याद रहेगा। जा दोस्तों क्या, द लाइट ऑफ एशिया, जयराम नरेश जी की है, याद रखें कैसे, देखिए द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी को, भगवान गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं। उसी तरह दोस्तों एशिया लाइट का मतलब एशिया का लाइट,
तो कौन होगा अगर हम भगवानों में बात करें तो सबसे ज्यादा को इसको मानते लोग जय राम राम जी को, ठीक है, जय राम 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 जय जय राम, ठीक है, इस तरह भी आपको याद रह जाएगा। ओके आगे है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की याद रखें कैसे, देखिए स्ट्रेंजर तो आ ही रहा है यहाँ पर, मिरर आप पकड़िए मिरर, और मिरर में क्या देखते हैं डेली हम क्या देखते हैं मिरर में अपना चेहरा, मेहरा चेहरा देखते हैं, यहाँ क्या आ रहा है मेहरा अर्थात चेहरा, हम चेहरा अपना देखते हैं कहाँ पर मिरर पर, बहुत ही सिंपल है इस तो याद रहेगा, ठीक है जी। और जब हम चेहरा देखते हैं तो कैसे लगता है, एक स्ट्रेंजर की तरफ लगता है, एक अजनबी की तरह लगता है हमारा चेहरा, और जब चेहरा देखते हैं तो प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश में दिखता है अंधेरे में नहीं, ठीक है। चार लाइन वीनु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन दो मिलकर इन्होंने लिखा, ठीक है, कौन सा द फोर्थ लाइन, अब इसको याद रखें कि है तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ रहा फोर्थ लाइन यानी चार लाइन, और आपको अगर नाम में भी आएगा तो देखिए इसमें से चार पांच नाम है, देखें वीनु माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन, ये सब नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा है, और फोर्थ लाइन इस तरह याद रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें से एक भी आ गया तो आप क्लिक कर देंगे, यानी एक दो तीन, यहाँ पर तीन नाम वैसे भी आ रहे हैं, तो जब सबसे ज्यादा नाम जिसमें लगभग होंगे तो आप क्लिक कर देंगे दोस्तों, अगर ऐसे भी आना हो, देखिए दोस्तों यहाँ रहा माधव, यानी कि दोस्तों माधव धौड़, जब भी फोर्थ लाइन एक की टू एक अगर चार लाइन पीछे पड़ गए तो क्या धौड़ो धौड़ो माधव माधव, यानी धौड़ धौ 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 धौड़ेंगे आप, ठीक है, और यहाँ भी धा धा सब राधव धौड़ोगे धौड़ेंगे क्या चार जब लाइन देख लेंगे। इस तरह दोस्तों आप थोड़ा से सोच सकते हैं। द मेकिंग ऑफ आधार वो राम सेवक शर्मा जी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए याद रखें कैसे आधार कार्ड, यानी कि जो आधार कार्ड है प्रोसेस क्या है, यानी कि ए टू जेड इसके बारे में बताया कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आधार कार्ड याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता दोस्तों आधार, आधार शब्द आता है, किसी भी अगर बिल्डिंग का आधार बनाना या फिर लाइफ का आधार बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी का भी आधारशिला रखते हैं तो हम राम सेवक राम जी का नाम तुरंत लेते हैं, ठीक है, अर्थात हम उनके सेवक हैं इसलिए हम उनका नाम बोलते हैं ना राम जी का नाम पूजा पाठ करके आधारशिला रखते हैं, किसी भी की चीज़ों को आधार रखते हैं तो राम जी का नाम लेकर पूजा अपना अर्चना करके रखते हैं आधार, ठीक है, इस तरह याद रहेगा दोस्तों। और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों होम इन द वर्ल्ड अमर सेन जी की है, याद रखें कैसे, देखिए इनको एक पुरस्कार भी मिला है, प्रिंसेस ऑफ द किसका मिला है अमेरिका, ऐसे दोस्तों इनको एक पुरस्कार भी मिला, प्रिंसेस आ रहा था हमने याद किया था, ठीक है, आप याद रख सकिएगा, वीडियो हमने बनाया था पुरस्कारों पर, तो उनको मिला प्रिंसेस ऑफ द किसका हो लेकिन हाई प्रिंसेस, ठीक है। देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, तो यहाँ दोस्तों आ रहा का होम इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में अपना घर, और यहाँ रहा अमर्त यानी कि जब भी हमारी मृत्यु हो जाती तो हम अपना घर किसको बोलते हैं, संसार को बना सकते हैं, कहीं भी कहाँ जा सकते हैं, यानी कि जन्म जब दोबारा होता होगा कहीं भी पूरे संसार में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा अमर्त जब मृत्यु होती है तो कोई भी कहीं भी हमारा जन्म होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हम अपना घर बना सकते हैं किसी भी कोने में, किसी भी वर्ल्ड में, मतलब किसी वर्ल्ड के कोने में अपना घर बना सकते हैं जब हमारी मृत्यु होगी, यानी अमर्त से, बहुत ही सिंपल है। अगला है नाथूराम गोडसे जी की, जो कि धवल कुलकर्णी जी ने लिखा है, ठीक है, नाथूराम गोडसे जानते हैं बहुत भली बात, देखिए अगर आपसे पूछूं नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली कुल कितनी मारी, कुल कितनी मारी की, तो आपका आंसर क्या होगा, तीन गोलियां मारी, तीन गोलिये, कुल कितनी गोली मारी, तीन गोली मारी, तो कुल से आपको कुल करने याद रहेगा, ठीक है, यानी नाथूराम गोली बस इतना आ जाएगा, नाथूराम गोडसे ने कुल कितनी गोली मारी महात्मा गांधी को, तो बोलेंगे कुल करने कुल तीन गोली मारी, ओके, तो ये भी याद हुआ। अगला दोस्तों क्या, इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड की है, देखिए याद रखे कैसे, देखिए भाई बिना रिस्क, रस्किन बिना रिस्क की वंडरफुल लाइफ तो हो ही नहीं सकती, रियल में नाम बनते हैं रिक्स से, यानी कि जब तक आप रिक्स नहीं लेंगे तो वंडरफुल लाइफ बन नहीं सकती, कतई भी नहीं बन सकती, इस तरह आपको याद रहेगा, यानी रिक्स लो और वंडरफुल लाइफ बनाओ, ओके, रियल में याद हुआ, ठीक है जी। देखिए अगला है फियर्सली फेमेल द दूती चंद स्टोरी, याद रखें कैसे, देखिए दूती चंद जो कि क्या है, एक धावक है आप जानते हैं, तो दोस्तों इन पर एक स्टोरी यानी कि पुस्तक लिखी कौन, सुदीप मिश्रा जी ने, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ रहा दूती और यहाँ था सुदीप, दूती सुदीप थोड़ा सा मैच हो रहा है दोस्तों, इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है, यानी दूती एक जो कि धावक थी और इनको मिसाल दिया जाता है, मिसाल मिश्रा मिसाल दिया जाता है, इस तरह थोड़ा से आप लिंक कर सकते हैं दूती सुदीप, ठीक है जी। अगर ट्रिक और बनती है तो कमेंट करिए, हम आपका कमेंट पिन कर देते हैं, ठीक है, अगर बनती है कोई अच्छी ट्रिक।
अगला दोस्तों क्या है, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, पुस्तक कितने देगा, सुधांशु मित्तल, ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए दोस्तों है तो बहुत ही मुश्किल इसको याद कर, लेकिन देखो यहाँ आ रहा है डबल एस और यहाँ रहा सुधांशु, यानी डबल एस यहाँ भी आ रहा है सुधांशु, ठीक है। इस तरह भी डबल एस से डबल एस मैच कर सकते हैं, जब भी ऑप्शन मिलेगा तो आप कर देंगे, ठीक है। मित्तल यानी कि सेवक शब्द आता है, यानी बिना सेवा मेवा नहीं, मित्तल यानी मिथ्या, मिथ्या बात, मिथ्या नहीं, बिना सेवा मेवा नहीं मिलता, ये मिथ्या बात, मित्तल मिथ्या बात नहीं, इस तरह भी याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है, द ग्रेट बिग लॉयन, वहाँ फोर्थ लाइन आ रहा था, यहाँ बिग लॉयन है, लिखा किसने, क्रेसेसिस नाइट ने लिखा। अब देखिए दोस्तों इसको याद रखें, यहाँ शब्द था ग्रेट लॉयन, यानी कि ग्रेट, अगर बिग लॉयन, बड़ा सा बिग लॉयन आ गए तो आप क्या करेंगे, क्रेसिस, क्रेसिस आप सिस करने लगे, और आप क्रेसिस यानी क्राई, क्रेसिस क्राई शब्द नहीं करता, क्राई, आप क्राई करने लगे, रोने लगे, क्रेसिस क्राई करने लगे, अगर आ गए बड़ा सा लाइन तो आप सिस आ जाएंगे, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, सिस सिट्टी पिट्टी, वो भी अगर नाइट हो तो भी बात बन गई यार, बहुत ही समस्या है, बिग लाइन अगर मिल गया भेटा गया कहीं तो भाई बड़ा ही समस्या जाएगी, हम सीसीआर बिल्कुल शिथिल पड़ जाएंगे और क्रेसिस क्राई करने लगेंगे, इस तरह दोस्तों आप मैच कर सकते हैं, ओके। अगला है द स्ट्रगल विद इन, अशोक चक्रवर्ती जी की पुस्तक, याद रखें कैसे, जहाँ सब तक स्ट्रगल, स्ट्रगल अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करके कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ चक्रवर्ती, चारों तरफ नाम बनता है, रियल में अगर स्ट्रगल करके कोई भी काम आप बड़ा करते हैं, ठीक है, तो आपका चक्रवर्ती चारों तरफ नाम होगा, अशोक चक्रवर्ती, यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, अशोक चक्रवर्ती यानी अशोक जो कि सम्राट थे, चक्रवर्ती और अशोक सम्राट आप जानते हैं, इनको चारों तरफ पूरा विख्यात है इनका नाम, क्यों, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल किया अपने लाइफ, ठीक है, स्ट्रगल संघर्ष किया, तभी तो चक्रवर्ती नाम दिया गया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ओके, इस तरह याद रहेगा आपको। या स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जिसको याद रखें कैसे, देखें यहाँ शब्द क्या आ रहा, स्टार, स्टार फोपाड़ी, स्टार मीन्स सितारा, यानी कि तारा, और दोस्तों यहाँ रहा रवि, रवि मीन्स क्या होता है आप जानते हैं भली बात, सूर्य, और दोस्तों रवि और यहाँ से स्टार आपको क्लिक होंगे, दोनों आप याद रखिएगा, स्टार और रवि, ओके, दोनों ही ऊपर होते हैं, ठीक है, तारा जो कि एक रवि है, सूर्य भी तारा ही, और यहाँ स्टार भी आ रहा है, ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। और देखिए दोस्तों द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर जी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने लिखा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या कैसे मुसीबत आती है, कैसे क्या होता है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द प्रेगनेंसी और यहाँ करीना, यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि बहुत ही मुश्किल होती है क्या, और तो बहुत ही करीना रो, करीना यानी कष्ट के कारण रो, करीना रीना रोती है, ठीक है, इस तरह करीना रीना रोती 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 रो रही, ठीक है, करीना, ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको याद रहे, करीना कराह कराह बहुत ही कराहती हैं और रोती हैं दोस्तों रियल में, तभी इनको बोलता है सबसे सहनती सहनशीलता और सबसे क्या होती है देवी का रूप होती है, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, तभी इनको बोला जाता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कष्ट सहती हैं करीना कपूर, कष्ट कराहती करीना कपूर, कष्ट सहती हैं, ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला है हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति जी की है, देखिए याद रखें कैसे, यहाँ आप पकड़ेंगे गॉड्स, गॉड्स की मूर्ति, गॉड्स यानी कि दोस्तों अभी उनके गॉड्स जो होते हैं, गॉड्स या गॉडेज, उनकी अगर ब्यूटी हमें देख रहे तो कहाँ इकलौता केवल एक होता कि मूर्ति, उनकी मूर्ति ही, मूर्ति जो कि पूछते भी हैं, मूर्ति देखना पड़ता है, मूर्ति देखते हैं क्या उनकी ब्यूटी के लिए, गॉड की कितनी क्या कैसी हैं, तो वो सब देखते हैं हम किसमें, मूर्ति में देखते हैं, मूर्ति से देखते हैं गॉड्स को, ठीक है, क्या किसी ने ऐसे देखा नहीं, लेकिन मूर्ति, मूर्ति को देखकर उनकी ब्यूटी का अंदाज या फिर उनको गॉड्स को देखे, गॉड या गॉड्स को देखते हैं, ठीक है, इस तरह दोस्तों इस अर्थ में हम देखते हैं मूर्ति को, ठीक है, मूर्ति पूजा करते किसी गॉड्स की, इस तरह भी याद रहेगा। अगर दोस्तों का द नट मेग्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द नट मेग्स मेग, तो देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, कर्ष शब्द आता है, कर्ष, कर्ष मीन्स श्राप, अभिशाप, कोसना और घोषणा, अमिताभ घोष इनकी पुस्तक बहुत ही आती है, ठीक है, जैसे अरुंधति राय की, इसी तरह अमिताभ घोष जी, ठीक है, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द था कर्ष, यानी कर्ष अमिताभ घोष, घोष कोशना, कोशना बोलते हैं ना, कर्ष कर्ष कोशना यानी घोषणा, घोष घोष कोशना, दोनों मैच हो रहे हैं, ओके, याद रहेगा। आगे दोस्तों क्या है, मोदी इंडिया कॉलिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, देखिए किसने लिखा, चांदमल कुमावल, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ आप पकड़ेंगे चांद और यहाँ पकड़ेंगे मोदी जी, मोदी जी आजकल इनको देखते होंगे क्या वादा किए हैं कि हर व्यक्ति को मैंने चांद पर पहुंचाऊंगा, चांद का सैर करवाऊंगा,
कौन किए? मोदी जी ने वादा किया है कि चांद पर, चांद की सैर हर व्यक्ति को करवाऊंगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों केवल एक मान लीजिए ट्रिक है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि मोदी जी ऐसे वादा किए हैं कि सबको मैं चांद पर लेकर जाऊंगा, सबको चांद का सैर करवाऊंगा, ठीक है। इस तरह याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या, द लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिकल, यानी कि ये लेडी डॉक्टर जो कि फर्स्ट प्रथम डॉक्टर थी भारत की, तो कौन थी दोस्तों? तो थी आनंदीबाई जोशी थी, ठीक है। बहुत ही कष्ट से के साथ उनकी 9 वर्ष में शादी हो जाती, लेकिन 14 वर्ष में इनका जब इकलौता बच्चा होता है और फिर भी वो लगभग 10 दिन बाद मृत हो जाती है, तो उन्होंने वादा किया कि ऐसे जो भी असमय में तो होती है उनको मैं सही करूंगा, उनको अब ऐसा नहीं होने दूंगा कि मृत हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रण किया कि अब मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। तो उन्होंने फिर अमेरिका वगैरह गई पढ़ाई करने, ठीक है, डॉक्टर्स की डिग्री लिया। और वो कौन थी? आनंदीबाई जोशी थी। उन पर किस किताब लिखा? कविता राव जी ने, ठीक है। देखिए याद रखें कैसे यहाँ सब आता है दोस्तों, डॉक्टर द लेडी डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर मेडिकल कुछ भी समझिए कहीं से भी, देखिए इसको याद आप ऐसे थोड़ा सा आप कर सकते हो, वैसे भी आप इसको याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा है यानी कविता बीता बीता बहुत ही, मतलब जब इन्होंने इनका बच्चा जब खोया और डॉक्टर बनने के लिए प्रण किए तो इनमें क्या बीता होगा, कविता बहुत ही तगड़े से इन पे बीता होगा, बीता क्या बीता होगा वो हम जानते हैं, ठीक है। इस तरह याद रहेगा, कविता कविता बहुत इनके दिल पर बीता होगा जब इनका बच्चा भी चला गया, ठीक है। तो लेडी डॉक्टर्स किसको दोस्तों याद रहेगा आपको, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। तो आप दोस्तों इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ओके। देखिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो 2021 के थी, जो कि आपको एक बार में याद हो गई होंगी। अब आप किसी भी का नाम लेंगे तो आपको याद आ जाएंगे, ठीक, कैसे भी। जैसे कि मान लीजिए मिरर शब्द आया, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, मिरर हम मिरर में क्या देखते हैं? चेहरा, चेहरा नहीं मेहरा, ठीक है। मेहरा से आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर मिल जाएगा, ओके। देखिए आइडियल आता है, आइडियल अगर हम किसी को मानते हैं वर्ल्ड में आइडियल, तो हमारा कोना कोना कोनून यानी कोना कोना पूरा मोटिवेट हो जाता है, आपको कुनाल याद आ जाएगा। द अर्थ स्पिनिंग, अर्थ से अरुंधति धरती याद आ जाएगा। बालाकोट स्ट्राइक, पूरा मन दहल जाता है जब स्ट्राइक वाली वो घटना सोच लेते हैं, स्ट्राइक मन मनन मन, ठीक है, मनन भट्ट। लेडी यानी कि लेपर्ड डायरी, लेपर्ड जब भी सामने देख लेते हैं तो क्या हमारी चुप्पी सद जाती है, बिल्कुल चुप्पी यानी गुब्बी, ओके, यहाँ से याद आ जाएगा। होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, होम इन द वर्ल्ड अमर सेन जी की आप जानते हैं। नाथुराम गोडसे, गोडसे कुल कितनी गोली मारा गांधी जी को? कुल कुलकर्णी से, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या है, द स्ट्रगल विद इन, स्ट्रगल भाई साहब अगर आप कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो एक तरफ एक दिन आप सम्राट अशोक की तरह नहीं, लेकिन आपका नाम चारों तरफ गूंजेगा, चक्रवर्ती, ठीक है, अशोक चक्रवर्ती इस तरह। तो दोस्तों आपको ये सारी पुस्तकें याद हो गई होंगी, अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, मिलते हैं इसी तरह कुछ नॉलेज फुल वीडियो के साथ, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास चाहिए।